बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुबशिर। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब भी आपने कोई ऑनलाइन काम स्टार्ट करना है ना, तो सबसे जो मेन चीज़ ज़रूरी होती है, आपने कैसा नेम यूज़ करना है हर जगह पे। तो जो उस नेम को आपने यूज़ करना है, उसको आपने बनाना है एक ब्रांड। यानी कि जब भी आप ऑनलाइन काम करने आएंगे ना, यूट्यूब पे या फेसबुक पे, जहाँ पे भी आपने सोशल मीडिया जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर आप लोगों ने बनाना है सबसे पहले अकाउंट। जब आपने वो अकाउंट बनाना है, तो उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ है सबसे ज़्यादा, एक ऐसा नेम जो आपकी पहचान बने ऑनलाइन, कि लोग उस चीज़ को लेके चलें कि यार ये फलां चीज़, जैसे नाम लिया जाए तो आपके दिमाग में उस चीज़ से रिलेटेड हर चीज़ आ जाए। जिस तरह ये मुख्तलिफ ब्रांड है, यूफोन, यूफोन का आप जैसे नाम सुनते हैं तो आपके जहन में यूफोन की चीज़ें आ जाती हैं। इस तरह जैज़ कैश और जैज़ कैश के हवाले से आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में आनी शुरू हो जाती है। इस तरह जब भी कोई ब्रांड नेम होता है, होंडा का नाम लेंगे तो होंडा कार्स का माइंड आपके जहन में आना शुरू हो जाएगा। होंडा की कार्स होती हैं, बाइक होती हैं, सुजुकी है जी उसकी भी बाइक होती है, ये होता है वो होता है। आप एक ऐसा ब्रांड नेम बनाएं, जैसे ही ब्रांड नेम, सवाल आता है माइंड में सबसे पहले क्यों, वाई, कि हमें इस चीज़ की क्यों ज़रूरत है। तो ब्रांड नेम लाजमी होता है, आपने इसको किस तरह सेलेक्ट करना है। ये कुछ लोग अक्सर यूट्यूब के ऊपर मैंने पाकिस्तानी देखे हैं, ब्रांड नेम नहीं लगते, मोहम्मद अहमद का वी लोग, ये अहमद का, ये गफूर का विलेज लाइफ, इस तरह करके नाम रखे होते हैं। ओ भाई मेरे, इस तरह कोई फ़ायदा नहीं है, वो चैनल वो चीज़ें इतनी देर तक नहीं चलती। तो आप लोगों ने जब भी काम करना है ना, अपना चैनल या अपना पेज, अपनी प्रोफाइल, कोई भी एक ब्रांड नेम सोचें और उसके ऊपर काम करें। कल को जैसे ही किसी बंदे के सामने वो ब्रांड नेम का नाम लिया जाए, तो उसको पता चल जाए कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है। इंशाल्लाह मूवी हट भी एक ब्रांड बनेगा इंशाल्लाह। और ब्रांड बनाने के लिए आपको एक मिशन सेट करना पड़ता है कि आपकी लाइफ का गोल क्या है, इस जिसको आप अचीव करना चाहते हैं इस ब्रांड की मदद से। स्टार्ट में काफ़ी ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसके ऊपर टाइम लगाना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप फ़ौरन बैठे बैठे, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं दिमाग में फ़ौरन आ जाती हैं, यार ये नाम इस तरह करके बना लेते हैं। तो बाद टाइम इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा कई कंपनीज वाले पे करते हैं, और आपको फाइवर के ऊपर भी इस तरह की बहुत ज़्यादा नेम सजेशंस के हवाले से गिग्स मिल जाएंगी। कुछ कंपनीज जो होती हैं वो मुख्तलिफ बल्कि पैसा इन्वेस्ट करती हैं इस काम के अंदर, कि हमें एक अच्छा सा ब्रांड नेम सोच के दें, और बाद में उसके ऊपर स्लोगन तक के लिए वो पैसे देते हैं कि एक स्लोगन इसका होना चाहिए। जिस तरह मसलन कि जैज़ कैश, और इस तरह में और सुनाओ इसका स्लोगन था, फिर यूफोन का आया तुम ही तो हो, ये उनका स्लोगन था। इस तरह का पहले तो वो एक ब्रांड नेम बनाते हैं, उसके बाद फिर उसके ऊपर स्लोगन तक के लिए वो पैसे पे करते हैं, और काफ़ी देर तक उसको रिसर्च करते हैं, और फिर उसके ऊपर वो काम करते हैं। जो इसके लिए बुनियादी और ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये हैं कि आपका जो ब्रांड नेम है ना, कोशिश करें शॉर्ट हो, छोटे से छोटा हो, ईजी टू यूज़ हो, ईजी यानी कि याद रहने वाला हो। इस तरह करके मुश्किल सा नाम ना बड़ा सारा रख दें कि वो लोगों को उसकी स्पेलिंग लिखने में ही मिस्टेक हो रही हो, और आप लिखे वो कुछ आ वो कुछ रहा हो। छोटा सा नाम यूनिक सा रखें, जो आपसे आपके या चैनल से या आपकी प्रोफाइल से मिलता जुलता हो। तो इस तरह करके वो ईजी हो, और इसमें कोशिश करें आप कुछ कीवर्ड्स भी यूज़ करें। कीवर्ड्स होते हैं कि जो लोग किस तरह के उसके अंदर गूगल के अंदर जाके सर्च करते हैं तो वो चीज़ सामने आती है। तो लोग, आपने ये सोचना कि लोग क्या चीज़ सर्च करते हैं जो मेरे चैनल से रिलेटेड है। तो आपने उस चैनल से मिलता जुलता जो है ना, अपना हैशटैग भी इसके अंदर लगाने की कोशिश करनी है। स्पेलिंग आसान होने चाहिए, ज़्यादा वर्ड लेंथी नहीं होना चाहिए, छोटा सा एक नेम होना चाहिए। जितना वो छोटा और यूनिक होगा, उतनी जल्दी वो आपको उसके ऊपर वायरल भी होगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जितना वो ऊपर लंबा चौड़ा अजीब सा होगा, प्रोफेशनल लुक नहीं आएगी, तो लोग इसको इग्नोर करेंगे। एक चीज़ यूनिक होगी, छोटी सी होगी, लोग उसको पिक करते हैं कि ये बंदे ने इसके ऊपर काम किया, एक ब्रांड है, तो उसको वो ऑटोमेटिकली एक उससे ट्रैफिक मिलती रहती है इस चीज़ के ऊपर भी। तो लिहाजा आप लोगों ने स्टार्ट में एक अच्छा जो है ना नेम सेलेक्ट करना है, अगर आपने ऑनलाइन काम करना है यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक पेज बनाना है। तो इसके लिए आपको गूगल के अंदर जाके भी नेम सजेशन टूल्स लिखेंगे, बहुत ज़्यादा टूल्स भी मिल जाएंगे। आप उसमें जाके अपने वर्ड्स टाइप करें, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा नेम सर्च होंगे। उन नेम्स की मदद से आप मज़ीद उनको लिखते जाएं, जो आप उसमें से सेलेक्ट करते जाएं। उन सिलेक्शन के दौरान आप मज़ीद नेम सजेशन टूल्स में जाके वो नाम डालें, उसमें से वो मज़ीद जनरेट करेगा, और इस तरह करते करते आप फाइनली जो है ना, एक आधे दिन के अंदर या एक दो घंटे इसके ऊपर लगा लें, तो आपका एक ब्रांड नेम निकल के सामने आ जाएगा। तो आगे चल के इसके ऊपर
आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ब्रांड नेम, ब्रांड आगे चल के आप इस चीज को सेल करके अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं। अपना जो ब्रांड नेम सेल करेंगे तो जैसे जैसे आप आगे ग्रो करेंगे तो आप अपने ब्रांड नेम को रजिस्टर्ड करवाएं, कॉपीराइट्स लें उसके, और ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर या ऐसी कोई गेम या ऐसी कोई चीज़ आप बना देते हैं तो आपका जो ब्रांड है वायरल हो जाता है, तो आप इस ब्रांड नेम को कैश भी कर सकते हैं अच्छा खासा। इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम जरूर दें, अगर आप टाइम नहीं दे सकते तो फिर आराम से फाइवर पे जाएं, वहां पे गिग ऑर्डर करें, लोगों को पैसे दें, वो आपको नेम सजेशंस दे देंगे, उसमें से अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो ठीक है, उसको नहीं तो दोबारा कहेंगे जी मुझे और नाम सजेस्ट करे। इस तरह करके आप अपने जो है ना ब्रांड नेम भी ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमें याद रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।